हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें और उनके घराने को सड़क पर उतरने की आदत है कि वो बार बार यह डायलॉग अपने मुंह से निकालते हैं कि हम विकास के लिए और हमारा घराना विकास के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतर आएगा। कमलनाथ की सरकार थी, उनने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे और कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब अच्छी भली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तब सिंधिया कह रहे हैं कि हमारे घराने की आदत है कि हम विकास के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। तो अब विकास शायद हो नहीं रहा ऐसा लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह जबरदस्त घोषणाएं कर रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है सिंधिया साहब आपको सड़क पर उतरने की। अगर सड़क पर उतरेंगे सिंधिया तो सरकारें गिरती हैं। कमलनाथ की देख ली, अब बारी शिवराज की। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के महाराजा हैं, इनको और इनके घराने को सड़क पर उतरने की आदत है। यह हम नहीं बल्कि खुद ऐसा सिंधिया का कहना है। आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा के साथ अन्य विधानसभाओं में सिंधिया केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ साथ थे। ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, सिंधिया पूरे मूड में हैं। कहा कि हमारे खानदान की आदत है कि हम विकास की खातिर झंडा उठाकर सड़कों पर उतर जाते हैं, यही हमारे खानदान का रिवाज। जरूरत पड़ी तो अब भी हम विकास के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। तारीखें भी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह खानदान जब जब सड़कों पर उतरा है तो मौजूदा सरकारें गिर गई हैं। स्वर्गीय राजमाता सड़क पर उतरी तो तत्कालीन डीपी मिश्रा की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतरने की धमकी दे देते थे, कमलनाथ सरकार को गिरा गए। अब फिर सिंधिया सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं, यानी सरकार गिरेगी। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सिंधिया खानदान की वो आदत का हम बखान कर रहे हैं, जिनके सड़क पर उतरने से सरकार गिरती है। और एक ग्वालियर चंबल संभाग से शंकराज निकली और वो डीपी मिश्रा की सरकार को बर्खास्त करके छोड़ दिया था। अब सरकार भाजपा की है और सिंधिया भी भाजपा के हैं। ऐसे में सिंधिया विकास के लिए अब सड़कों पर उतरे तो समझो शिवराज सिंह सरकार गिरेगी। बहरहाल भाजपा चंबल में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सिंधिया ने भी चंबल जिताया था, अब क्या सिंधिया चंबल जिता पाएंगे, यह सवाल है भाजपा के लिए, जनता के लिए, साथ खुद सिंधिया के लिए। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।